नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में। तो चलिएगा, आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं अरबी की रेसिपी। एकदम नए तरीके से बनाने जा रहे हैं हम इसको, नई रेसिपी है दोस्तों। अगर बच्चे अरबी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उनको कुछ अच्छे और नए तरीके से बनाकर सर्व कीजिएगा। बड़े और बच्चे सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए इसी रेसिपी है बनाने इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे अरबी ली है, इनको अच्छे से धो करके साफ कर लेना है, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद हम इनको उबाल लेंगे। तो यहाँ पर दो विजल आने तक उबालना है, यानी कि दो सीटी आपको इनमें लगा देनी है। उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठंडा होने के बाद इनका छिलका निकाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ऑयल गर्म किया है और इसमें हम अरवी को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तरीका बनाने का बदल देते हैं। तो यहाँ पे आधी आधी अरवी मैंने दो बार में उबाली है, अरवी ज़्यादा थी इसलिए। तो जब आप अरवी को डालोगे तो ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद आप इनको हाई फ्लेम पर सेकिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इन्हें गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन होने के बाद ही इनको उतार लेंगे, क्योंकि हमने इन्हें उबाल करके फ्राई किया है, इसीलिए अंदर तक पहले से ही गली हुई हैं। तो यहाँ पे लीजिएगा, ये हमने अरवी जो थी फ्राई कर ली हैं। जब भी आप अरवी बनाते हैं उनको बनाने से पहले अजवाइन का यूज़ कीजिएगा, इससे अरवी का स्वाद कई गुना बढ़ कर के आता है। तो यहाँ पर हमने देखिएगा, इसको अब यहाँ पे तड़का लगाने वाले हैं, यानी कि इनको छौंकेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। थोड़े से खड़े मसाले और ये मैंने अजवाइन इसमें डाली थी इनको चटकने के बाद। नमक डालना है स्वाद अनुसार, और ये हमने तीखी लाल मिर्च आधा चम्मच से कम ली है, और ये है देगी मिर्च। ये तीखी नहीं होती हैं, सिर्फ इनसे कलर अच्छा आता है। यहाँ पे आधा चम्मच से कम हल्दी, और अब हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। जो धनिया पाउडर है वह मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है। और इन सबको डालने के बाद अब इनको अच्छे से चला देंगे। जब आप इनमें मसाले डालें तो आप गैस को लो फ्लेम पे रखिएगा, इससे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से यहाँ पे देखिएगा ये भुन जाएंगे। अब जब यह भुन जाएंगे तो उसके बाद जो हमने अरबी को उबाल करके रखा हुआ था उनको डाल देंगे, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब भी हमने गैस को लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है, तो लो फ्लेम पर ही बहुत अच्छे तरीके से जो सारे मसाले हैं वो सारी अरबियों में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। इनमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे गरम मसाला, ये होममेड है, थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है। और उसके बाद आधा नींबू कट करके यहाँ पे निचोड़ दिया है। आप चाहें तो नींबू की जगह खटाई यानी कि आमचूर पाउडर आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। गैस को यहाँ पे कर देंगे बंद, और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये लीजिएगा, यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए भी पैक करके रख सकते हैं। पूरी पराठे या रोटियों किसी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली रेसिपी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है दोस्तों। तो आप भी यह नई रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों। अगर आप इसको ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।